सिविल सेवा में या यूपी लोक सेवा आयोग में या बिहार कोई भी प्रश्न हो या आपकी अपनी तैयारी से संबंधित आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं पूछिए कोर्स से संबंधित समय से संबंधित बताइए पूछिए किसी से भी कहीं से भी कोई सवाल आपके मन में कोई शंका है विषय से संबंधित क्या कोर्स है कठिन होता है हिंदी आसान होता है मार्क्स आते हैं नहीं आते हैं लोग पास करते हैं नहीं करते हैं कोई भी मन में सवाल हो पूछिए पूछिए कोर्स तो सबको पता है कोर्स नहीं पता है पाठ्यक्रम पता है पाठ्यक्रम एक तो आप देख लीजिए कि यूपीएससी का जो पाठ्यक्रम है सिविल सेवा का पाठ्यक्रम सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है तो सबसे पहले जो आपको कॉपी बनानी है एक कॉपी बनानी है भाषा खंड का अब एक एक करके समझाते हैं और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं तीन कॉपी बनानी है सिविल सेवा में या यूपी दे रहे हों या बिहार लोक सेवा आयोग दे रहे हैं कोई भी आयोग दे रहे हों हो सकता है आप बीपीएससी दे रहे हों हो सकता है आप यूपी दे रहे हो यूपी पीएससी दे रहे हो जो भी दे रहे हो तो आपको तीन कॉपी बनानी है हल्के अंतर के साथ सबका सिलेबस है पाठ्यक्रम है सबसे पहले भाषा खंड की एक कॉपी बनानी है और इसमें नौ या दस या ग्यारह टॉपिक है टॉपिक पढ़ने बिहार लोक सेवा आयोग में कम है नौ टॉपिक है बीपीएससी में बीपीएससी में कितने टॉपिक नौ टॉपिक है खंड में यूपीएससी में दस टॉपिक है और यूपी लोक सेवा आयोग में ग्यारह टॉपिक है, है ना तो भाषा खंड सब में पढ़ना है नौ टॉपिक बिहार लोक सेवा योग में पढ़ना है दस टॉपिक किस में पढ़ना है सिविल सेवा के पाठ्यक्रम में और ग्यारह टॉपिक पढ़ना है यूपी लोक सेवा योग के पाठ्यक्रम में यूपी में जो एक टॉपिक बढ़ जाता है जब आप अपना पाठ्यक्रम देखेंगे तो पाली और प्राकृत ये एक टॉपिक बढ़ जाता है किसमें उत्तर प्रदेश में यानी यूपी लोक सेवा आयोग में भाषा खंड से ग्यारह टॉपिक हैं बिहार लोक सेवा आयोग में नौ टॉपिक हैं और सिविल सेवा के पाठ्यक्रम में दस टॉपिक यूपी में जो एक टॉपिक बढ़ जाता है वो कौन सा है पाली और प्राकृत जो नहीं पढ़ना है सिविल सेवा में यूपी में पढ़ना है और बिहार लोक सेवा आयोग में एक टॉपिक जो घट जाता है वो है वैज्ञानिक और तकनीकी विकास तो वहां पे नहीं है तो इसलिए इसमें कितना है नो टॉपिक तो लेकिन बाकी जो नो टॉपिक है वो तो कॉमन है चाहे यूपी पढ़ें या यूपीएससी पढ़ें प्रश्न का नेचर अलग अलग होगा लेकिन जो टॉपिक पढ़ना है यानी कुछ दूर की यात्रा बिहार लोक सेवा के साथ करेंगे उसमें एक और टॉपिक जोड़ लेंगे तो सिविल सेवा का हो जाएगा वैज्ञानिक और तकनीकी विकास और एक टॉपिक और पढ़ लेंगे इसमें एक टॉपिक और है शब्द संपदा ये भी जोड़ लीजिए मतलब वहाँ सिविल में भी रहता है लेकिन थोड़ा यहाँ डिटेल में यूपी में हम लोग पढ़ते हैं तो आपको एक कॉपी भाषा खंड की बनानी है जो एक विद्यार्थी हर एग्जाम देता है कुछ लोग फोकस्ड होते हैं बिहार के लिए लेकिन बाद में चल के सिविल भी देते हैं ना तो इसलिए एक कॉमन कॉपी भाषा खंड की आप बनाइए जिसमें से जो अलग अलग हिस्सा है उसमें ऐड कर लीजिएगा यहाँ पर कुछ भ्रांति है कि रटना होता है तो रटना नहीं है सबसे पहले जो है कुछ लोग कहते हैं कि जी रटना होता है तो ये नहीं आपके मन में और कोई सवाल हो तो पूछिएगा दूसरा इसमें जो हिंदी का जो ग्रामर है व्याकरण है ये व्याकरण नहीं पढ़ना है है ना हिंदी का व्याकरण लोग रटते हैं सोचते हैं डरते हैं कि फिर से कहीं दसवीं में पढ़ा था नौवीं दसवीं में फिर से तो नहीं पढ़ना होगा जैसे व्याकरण का मतलब है कि समास पढ़ना हो लिंग निर्धारण पढ़ना हो नहीं ये सब रहता था अब ये सब नहीं पढ़ना है मन में था क्या कि हमको ग्रामर पढ़ना होगा हिंदी का जो कठिन हो जाएगा तो ये नहीं पढ़ना है है ना एक बेसिक सी जानकारी केवल चाहिए उसमें कोई सवाल नहीं आएगा कि कोई ऑब्जेक्टिव सवाल आ रहा है या कोई सब्जेक्टिव सवाल आ रहा है कि ग्रामर बताइए या तो ये सब नहीं करना है चलिए तो भाषा खंड दूसरा जो पोर्शन है दूसरी जो कॉपी बनानी है वो कविता का इतिहास कविता का इतिहास तो आपको तीन कॉपी बनानी है दूसरी कॉपी स्वतंत्र कॉपी किसकी बनानी है कविता का इतिहास हर चीज का अपना इतिहास होता है आप अपने बारे में भी लिखेंगे तो आपका इतिहास हो जाएगा देश का भी इतिहास होता है नहीं जैसे मान ली आपने आपकी औसत उम्र अगर 20-22 साल है तो 20-22 सालों में आपने क्या किया है ये आपका इतिहास हो जाएगा है ना तो कविता का भी अपना इतिहास है और कविता का मतलब हिंदी कविता से आपको संस्कृत कविता से मतलब नहीं है हिंदी कविता से कविताएं तो सब भाषाओं में लेकिन यहाँ पढ़ना क्या है हिंदी कविता का इतिहास और हिंदी कविता का जो जन्म होता है वो लगभग दसवीं सदी से होता है दसवीं सदी से थोड़ा सा और भूमिका के लिए ले ले तो सातवीं आठवीं सदी से सदी मतलब ईस्वी तो हिंदी कविता का प्रारंभ औसत रूप से कब से दसवीं सदी से थोड़ा और थोड़ा पहले ले लें तो सातवीं आठवीं सदी तो इसका मतलब है और अभी कहाँ है आप 2022 में 2022 या 23 तक देंगे आप या 24 तक देंगे तो दसवीं सदी से लेके के, यानी लगभग कविता का इतिहास और इसकी उम्र कितनी हो गई अगर ये अपना बर्थडे मनाए तो ईयर कितना हो गया लगभग एक हजार वर्ष हिंदी कविता की उम्र कितनी हो गई नहीं दस बीस सालों का कोई अंतर नहीं है अगर हिंदी कविता अपना बर्थडे मनाए तो उसको एक हजार कैंडल रखने पड़ेंगे नहीं तो हिंदी कविता की उम्र कितनी है एक हजार तो एक हजार वर्षों का इतिहास होगा यही पढ़ना है इसमें यानी इस, इस पाठ्यक्रम में क्या पढ़ना है हिंदी कविता जो एक हज़ार वर्ष की हो चुकी है इस एक हज़ार वर्षों में हिंदी कविता का नेचर क्या रहा पढ़ना है इसमें नेचर का मतलब आप कह सकते हैं हिंदी कविता का आपको नेचर पढ़ना है या कहिए प्रवृत्ति पढ़ना है या और थोड़ा आसान कहिए किसकी विशेषता पढ़नी कविता रटना नहीं है इसका क्या पढ़ना है इसकी विशेषता पढ़नी इसके फीचर्स को पढ़ना है इसके करेक्ट्रिस्टिक को पढ़ना है यानी कहने का मतलब ये है कि अलग अलग कालखंडों में इसका नेचर क्या रहा हिंदी कविता का जैसे जब हम गुलाम थे राष्ट्रीय आंदोलन में तो कविता का नेचर अलग होगा होगा या नहीं लोग आज़ादी मांगेंगे और आपने कविताओं सुनी होगी पुष्प की अभिलाषा सुना है चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं आपने पढ़ा होगा तो राष्ट्रीय आंदोलन में कविता क्या मांगेगी आज़ादी मांगेगी मध्यकाल में तो आज़ादी नहीं मांगेगी अब आज कोई कविता लिखे कहे जी हमको आज़ादी चाहिए तो ये गलत कविता हो जाएगी नहीं होगी या नहीं अब कोई कहे कि जी हम आज राजनीतिक रूप से पराधीन हैं तो ये कहना गलत हो ऐसी कोई कविता लिखी ही नहीं जाएगी अगर कोई लिखता होगा तो इसका मतलब क्या है वो एब्सर्ड बात कर रहा है नहीं। हाँ आज कविता कह सकता है कह सकती है कि भाई हमको आर्थिक आजादी चाहिए आर्थिक समानता चाहिए तो इस पर कविता हो सकती है लेकिन कोई कहे कि नहीं जी हमको क्या चाहिए हम गुलाम हैं तो ऐसी कविताएं अब संभव नहीं आज की कविता कह सकती है कि जी पर्यावरण का बहुत है ना दूषित होता जा रहा है और इसको ठीक करना है तो ऐसी कविताएं हो सकती हैं भ्रष्टाचार पर कविताएं हो सकती जैसे आज का कोई कवि कह सकता है कि यहाँ आते आते सूख जाती है कई नदियाँ हम जानते हैं कि पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा नहीं तो ऐसी कविताएँ तो आज संभव है लेकिन क्या ऐसी कविता कबीर लिख सकते थे नहीं लिख सकते थे कबीर अपने समय की समस्या को लिखते तुलसीदास अपने समय की समस्या को लिखते तो तुलसीदास का रामचरितमानस आपके घरों में होगा लाल कपड़े में बांधी हुई है ना सबके घरों में होगा हनुमान चालीसा तो होगा ही नहीं सबको डर लगता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बचपन में कहा गया कि डर लगे तो हनुमान जी मदद करते हैं पता नहीं मदद करते हैं कि नहीं करते हैं लेकिन अब तुलसीदास तो अपने समय की समस्या को सोच करके लिख रहे होंगे यानी तब रामचरितमानस अगर आप पढ़ते हैं तो कैसे ध्यान में रखना है उस समय की समस्या क्या थी और उसका सॉल्यूशन कैसे देता है रामचरितमानस? नहीं बुनियादी बात तो यही है अगर इसको छोड़ के कोई पढ़ता है इसका मतलब है कि गलत तरीके से पढ़ता है तो हिंदी को गलत तरी, बहुत मैथमेटिकल विषय है ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़िए कभी भी पढ़िए सोच के ही पढ़ना होता है रामचरितमानस आपके घर में है तो रामचरितमानस को कैसे पढ़ेंगे दो तरीका है पढ़ने का एक तो जी छू न जाए पेन न लगे अशुद्ध न हो जाए होता है ना लोग पढ़ते हैं रामचरित मानस को इतना इज्जत देते हैं चूँकि धार्मिक पुस्तक मान लेते हैं और आदर भी प्राप्त है रामचरित मानस को लेकिन आपको एज ए विद्यार्थी कैसे पढ़ना है कि रामचरित मानस सोलहवीं सदी में जो प्रॉब्लम था समाज में धर्म में राजनीतिक परिस्थितियों में आर्थिक कंडीशन में उसका सॉल्यूशन उसका समाधान रामचरितमानस कैसे देता है तुलसीदास एक बुद्धिजीवी व्यक्ति थे समझदार व्यक्ति थे समाज को समझते थे तो रामचरितमानस जब उन्होंने लिखा होगा तो ये सोच के लिखा होगा कि हमारे समय का जो प्रॉब्लम है उसको हम कैसे एड्रेस कर रहे हैं तो आपको भी वैसे ही पढ़ना है और हिंदी में वैसे ही पढ़ा ही जाता है कोई गोदान पढ़े तो कैसे पढ़ेगा कि भाई प्रेमचंद के समय जब वो लिख रहे थे गोदान किसान जीवन की स्थिति थी, क्या थी है ना तो आपको रटना नहीं है बहुत समझ के पढ़ना जिसको कहते हैं कंसेप्ट के साथ तब आपको हिंदी क्या है तब चार पाँच महीने में आपकी हिंदी तैयार हो जाएगी है ना अगर आप समझ के नहीं पढ़ेंगे तो हिंदी फिर क्या हो जाएगी कठिन हो जाएगी हर विषय आसान होता है पढ़ते कैसे हैं इस पर डिपेंड करता है, है ना हिंदी चुकी बचपन से पढ़ा है आपने सबसे ज़्यादा परिचय किससे हुआ है हिंदी से ही हुआ माँ की लोरी से ले करके राम नाम सत्य तक सब हिंदी ही है नहीं लोरी कैसे वो भी हिंदी है बचपन में मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो सूरदास लिख रहे थे और कृष्ण पूछ रहे थे, अपनी, रहे थे तो अपनी माँ से ये सब साहित्य है तो इसका मतलब ये हुआ कि कविता का इतिहास जो एक हज़ार वर्षों का है हमको पढ़ना कैसे है पढ़ना है उस समय को समझते हुए उस समय की परिस्थितियों को समझते हुए कविता कैसे उसका आंसर देती है, कैसे उसका उत्तर देती है। तो इसको हम बांट के पढ़ेंगे एक हज़ार वर्ष ऐसे कैसे पढ़ लेंगे तो अराजकता हो जाएगी अनारकी हो जाएगी जैसे आप कोई सौ साल सतायु होने का आशीर्वाद मिलता है कि आप सौ साल जिये तो सौ साल का व्यक्ति अपना इतिहास लिखे तो कैसे लिखेगा कि भाई बाल्यकाल था फिर युवा काल हो गया फिर काल हो गया फिर वृद्धावस्था का काल हो गया तो ऐसे बांट के पढ़ सकते हैं ठीक वैसे ही एक हज़ार वर्षों को हम बांट के पढ़ते हैं क्यों बांट के पढ़ते हैं क्योंकि हर समय की विशेषता अलग अलग होती है।, है ना जैसे सौ साल का आदमी अपनी आत्मकथा लिखे तो लिखेगा ना बाल्यकाल में हमने क्या क्या किया युवा काल में क्या किया जैसे आप अपना इतिहास लिखेंगे तो आप कहें युवा काल में हम मुखर्जी नगर में थे और कैसे कैसे तैयारी कर रहे थे नहीं फिर उसके बाद कैसे सिलेक्शन हुआ फिर कैसे शादी हुई नहीं फिर प्रौढ़ावस्था का काल आएगा फिर वृद्धावस्था का काल आएगा ठीक वैसे ही यानी हर काल का हर समय का अपना अपना नेचर होता है बाल्यावस्था में क्या है आप उसी तरह का काम करते हैं युवावस्था में उस समय की परिस्थितियों के आधार पर काम करते हैं वृद्धावस्था में कुछ लोग अलग कुछ लोग अपवाद में करते हैं वृद्धावस्था में भी बाल्यावस्था वाला काम कर देते हैं नहीं है कि नहीं कुछ लोग कर देते हैं और कर देते हैं तो उसकी सजा भी भोगते हैं नहीं लेकिन वो तो अपवाद में होता है अपवाद में होता है यानी हर समय हर उम्र की क्या होती है एक अपनी परिस्थिति होती है और अपना एक नेचर होता है ठीक वैसे ही हिंदी में भी एक हज़ार वर्षों में हम लोग कुछ बांट के पढ़ते हैं जैसे पहला टॉपिक होगा वो होगा आदि काल आदि का मतलब प्रारंभ और काल का मतलब समय आदि का मतलब क्या हुआ प्रारंभ और काल का मतलब समय यानी हिंदी कविता का प्रारंभ उसका मतलब क्या है आदिकाल तो आदिकाल की कविता अलग तरह की होगी फिर उसके बाद दूसरा कालखंड आ जाएगा वो होगा भक्ति काल भक्ति काल काल का मतलब समय यानी लोग भक्ति से संबंधित कविताएं करेंगे दूसरा चैप्टर होगा ठीक है भक्ति काल और इसमें जो कवि पढ़ने हैं उनमें नाम है कबीर जायसी नाम सुना है सूरदास बचपन में पढ़ा होगा इन लोगों को और तुलसीदास अब इनकी कविताओं को रटना नहीं है मैंने कैसे कहा कि आपसे भक्ति काल की विशेषता पूछी जाएगी पाँच छ दस कविताएं वो अपने आप याद हो जाती हैं क्लास में तो इनके बारे में पढ़ना है ठीक उसी तरह से जब आगे बढ़ेंगे औरंगजेब का काल आएगा ताजमहल का काल आएगा तो उस समय हिंदी कविता में जो लिखा जाएगा वो होगा रीतिकाल तो ऐसे ही हम लोग बांट के पढ़ेंगे ये समय है ताजमहल का नाम सुना है ताजमहल देखा भी होगा जायसी ने एक रचना लिखी पदमावत नाम सुना है पदमावत पिक्चर भी बनी थी तुलसीदास की रचना आप जानते हैं रामचरित मानस है नाम सुना ही है आपने सूरदास भ्रमर गीत सार या सूर सागर नाम की रचना है और कबीर ने तो कबीर की कविता जो दो दो लाइनों में है वो आपको पढ़ना है और कुछ कविताएं तो सबको याद होंगी गुरु गोविंद वो खड़े याद होगा ही ये भी याद होगा पोथी पढ़ी पढ़ी, पढ़ी जगमुगा पंडित न कोय और देखिए आप लोगों को याद है ऐसे ही पांच छह कविताएं अपने आप याद हो जाएंगी मतलब याद करने में विशेष बल नहीं देना है परेशानी वाली भी बात नहीं आप विषय को समझिए अपने आप कविताएं पाँच छः सात दस याद हो जाएंगी तो आपने समझ लिया कि हिंदी कविता का इतिहास ऐसे ही क्रमबद्ध रूप से और फिर उसके बाद आधुनिक काल पढ़ना है आधुनिक काल और आधुनिक काल का मतलब है अठारह के बाद सामान्यतः 1850 के बाद या अठारह के बाद या कहिए 19वीं सदी से लेकर के आज तक यह हुआ आधुनिक काल तो इस तरह हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे कविता के इतिहास में जैसा मैंने कहा कि हर समय की अपनी विशेषता है इसकी विशेषता इससे भिन्न होगी इसकी अलग होगी इसकी अलग होगी नहीं हर समय की विशेषता अलग होती है जैसे हमने कहा कि बचपन की विशेषता अलग होती है युवा काल की विशेषता अलग होती है तो सबकी विशेषता अलग है अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि आज अगर तुलसी होते तो क्या लिखते है? तुलसी भक्ति काल के हैं राम पर लिखा आज तुलसी का पुनर्जन्म हो जाए तो क्या वैसे ही रामचरित मानस लिखते बताइए उतनी ही प्रतिभा तुलसी में वैसे ही तुलसी हो जाते वैसे उनकी पत्नी रत्नावली रहती वैसे उनका जन्म होता वही परिस्थितियाँ होती तो क्या लिखते वो रामचरित मानस लिखते अगर वो रामचरित मानस आज लिखेंगे तो कोई पाठक नहीं मिलेगा कोई नहीं पढ़ेगा जिस रामचरित मानस की प्रतिष्ठा है पंद्रहवीं सदी के कारण सत्रहवीं सदी के कारण क्योंकि तो रामचरित मानस लिखा कब गया पंद्रह में लिखा गया पंद्रह सौ चौहत्तर की रचना है रामचरित मानस यानि सोलहवीं सदी की रचना है तो सोलहवीं सदी में जो रामचरित मानस की प्रतिष्ठा है और आज भी है तो दूसरे कारणों से लेकिन अगर आज तुलसी लिख दे या आप जैसे लोग लिख दे रामचरित मानस तो आपकी रचना कोई नहीं पढ़ेगा क्यों नहीं पढ़ेगा क्योंकि अब तो आधुनिक काल आ गया और आधुनिक काल में तर्क चलता है और तर्क जब चलता है तो पाठक पूछेगा कि मेरे सामने जरा पत्थर रखे राम तैरता है कि नहीं तैरता है आप क्वेश्चन करेंगे आज का पाठक बदल गया नहीं बदल गया या नहीं दस सिर का आदमी कहाँ होता जरा हमको तुलसी बताए तो आज तुलसी होते तो नहीं लिख सकते रामचरित मानस चूंकि आज तो तर्क से आप बात करेंगे कहाँ दस सिर का आदमी होगा और होगा तो हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा अगर जन्म ले लिया तो क्या होगा वो शारीरिक विकृति माना जाएगा नहीं तो कहने का मतलब कि आज अगर तुलसी होंगे तो रामचरितमानस और वैसी ही रचना नहीं लिख पाएंगे आज कोई दोहा छंद में लिखेगा ही नहीं जरूरत ही नहीं दोहा चौपाई में क्यों लिखेगा समस्या समाप्त हो गई, वो स्थितियाँ बदल गई तो आधुनिक काल एक अलग तरह का काल होगा और रीतिकाल अलग है भक्ति काल तो सबकी विशेषताओं को आपको पढ़ना है तो इसमें क्या पढ़ना है विशेषता पढ़ने सीधा सरल सवाल आता है कि भक्ति काल की विशेषता बताइए या रीतिकाल की विशेषता बताइए और इतना ही जानना है आपको अब इसी से संबंधित कुछ कवियों को पढ़ना है और कवियों को पढ़ना है जिसमें से बिहार पी में छः कवि पढ़ने यूपीएससी में बारह कवि पढ़ने और यूपी लोक सेवा आयोग में ग्यारह कवि पढ़ने तो कवियों की संख्या कहाँ है सिविल सेवा का जो पाठ्यक्रम है उसमें कितने कवि पढ़ने बारह कवि और बिहार लोक सेवा आयोग का बहुत छोटा पाठ्यक्रम है आप देख ही रहे हैं कि छह ही कवि पढ़ने भाषा खंड में भी कम पढ़ना है और कवियों की संख्या भी कम तो छे ही कवि पढ़ने और यूपी लोक सहयोग में कितने कवि पढ़ने ग्यारह कवि पढ़ने तो दूसरी कॉपी आपको क्या बनानी है कविता का इतिहास और कविता के इतिहास में पढ़ना कैसे है जो पहला चैप्टर है आदिकाल भक्ति काल रीतिकाल और इसी तरह से आगे भारत हिंदु योग द्विवेदी युग और उसी के साथ साथ संबंधित कवियों को भी पढ़ना यहाँ तक आपके मन में कोई सवाल हो तो पूछिए यानी आपने दो स्वतंत्र कॉपी आपको बनाया आपने भाषा खंड का और दूसरा कविता का इतिहास और बहुत रीजनिंग के साथ पढ़ना है रीजनिंग के साथ मतलब तथ्य और तर्क के साथ ठीक है इमोशन में नहीं पढ़ना है है ना भाई हिंदी कोई इमोशन में नहीं आपको तो अंक लाना है हिंदी का कवि तो बनना नहीं हिंदी का विद्वान भी नहीं बनना है आपको तो सिविल सेवा पीसीएस का एग्ज़ाम देना है डीएसपी, एसडीएम बनना है आई बनना है तो उसके लिए हिंदी को बहुत कैसे पढ़ना है तार्किक रूप से पढ़ना है रीजनिंग के साथ पढ़ना है ठीक है समझ के पढ़ना है समझ के पढ़ने का क्या मतलब समझ के पढ़ने का मतलब है कि आप बेसिक क्वेश्चन उठाएं जैसे क्या है ये बेसिक क्वेश्चन है क्यों है ये बेसिक क्वेश्चन है नहीं किसके लिए कब है ये सब चीजें क्या है बेसिक सवाल है नहीं बच्चा कैसे सवाल करता है छोटा बच्चा सवाल करता है आपसे कोई सवाल करे कि रामचरितमानस क्यों लिखा अब इसका उत्तर नहीं है इसका मतलब है कि आपने ठीक से नहीं पढ़ा नहीं चाहिए तो जानना सूरदास क्यों लिख रहे थे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो अगर ये क्यों जानते हैं तो आपका अंक आ जाएगा मार्क्स अच्छे आएंगे अंक आधार कैसे है अंक जो अधिकतम आते हैं उसके पीछे लॉजिक क्या है कि इन सब प्रश्नों का उत्तर आपकी कॉपी में है समझ में आई बात अगर कॉपी में नहीं है तो अंक कम आएंगे लोग कहते हैं कि भाई मेरा अंक कम आ गया तो उसके पीछे क्या कारण है उसके पीछे यही कारण है कि ज्यादातर लोग ये लिखते हैं क्या है इस पर लिखते हैं कम या ज्यादा कोई चार पॉइंट लिखा कोई पांच लिखा कोई दस लिखा बहुत कम लोग इस पर लिखते हैं क्यों है है ना अगर क्यों पर बात करेंगे कॉपी में रहेगा परीक्षा को नजर आएगा क्यों का मतलब क्या है कंसेप्ट की जानकारी है जैसे कोई आपसे पूछे कि भक्ति काल इसी समय क्यों है आएगा ना मन में सवाल जी भक्ति काल का यदि हम समय बता रहे हैं कि 1350 से 1650 तो आपके मन में सवाल होना चाहिए कि भाई क्यों इसी समय पहले क्यों नहीं आ गया नहीं और आज क्यों नहीं आ गया तो ये सब समझ पाते हैं तो इसका मतलब कि कंसेप्ट आपका ठीक है ठीक है तो हमेशा हिंदी को कैसे पढ़ना है क्या है इतनी जानकारी तो नोट्स में बाजार के नोट्स में भी मिल जाएगा मिल जाएगा या नहीं यानी कम या ज़्यादा हर नोट्स में आपको मिल जाएगा नहीं क्या है इस पर तो मिल जाएगा क्यों है इस पर आपको थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी खोज करनी पड़ेगी और वही खोज वही जो है आपका अंक क्या करेगा बढ़ा देगा स्पष्ट हुआ तो क्यों है और किसके लिए है इस पर बात करनी है इसको जानना है। तो ये है बेसिक बातें जिसको कहते हैं बुनियादी बात तर्क से पढ़ना रीजनिंग के साथ पढ़ना है। हम लोग अभी बता रहे थे कि भाषा खंड की एक कॉपी आपने बनाया दूसरी कॉपी क्या बनाया कविता का इतिहास और कविता के इतिहास में हम लोग एक हजार वर्षों को क्रम से पढ़ेंगे और क्रम से कवि कवियों को भी पढ़ेंगे जिसमें मैंने कहा कि बिहार लोकसभा आयोग में छ कवि पढ़ने हैं यूपी में ग्यारह कवि पढ़ने हैं और सिविल सर्विस यू पी में कितने कवि पढ़ने हैं बारह कवि कभी। ये कवियों की संख्या है तो दूसरी कवि दूसरी कॉपी आपको बनाना है कविता का इतिहास और कवियों को और कैसे पढ़ना है जो बेसिक बातें हैं जो मैंने कहा है कि ये कोई भी बच्चा सवाल करता है है ना तो जैसे छोटे बच्चे सवाल करते हैं आप भी सवाल कीजिए कि क्या है कबीर ने लिखा पोथी पढ़ी पढ़ी आपने सुना भी दिया ये क्या है आपने क्या सुनाया कि कबीर की कविता क्या है तो आपने कह दिया जी पोथी पढ़ी पढ़ी, पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो लेकिन जैसे ही आप सोचेंगे कि कबीर ऐसा क्यों कहते हैं जरूरत क्या है और किसको कहते हैं किस लिए कहते हैं यही तो कंसेप्ट है पोथी क्यों कहते हैं किताब क्यों नहीं लिख दिया आपके मन में ये सवाल होना चाहिए ना भाई पोथी क्यों कह दिया किताब क्यों नहीं लिख दिया पढ़ी पढ़ी बार बार पढ़ना पंडित भैया ने को यहाँ पंडित का मतलब क्या है ढाई आखर का क्या मतलब है ढाई आखर प्रेम का प्रेम का क्या मतलब है और क्यों इतना प्रेम पर बल दे रहे हैं नहीं तो ये सब आपको समझना पड़ेगा जब समझेंगे तो मार्क्स क्या हो जाएगा रटना नहीं है कि जी हमने दस कविता रट लिया और किसी पर आतंक जमा दिया नहीं कोई आप पर आतंक जमाएगा जी हमको तो पचास याद है तो ऐसे पचास याद करने वालों का सिलेक्शन नहीं होता है ना सिलेक्शन किन का होता है जिनको कविताएं कम याद रहती हैं और कंसेप्ट जो है वो ज़्यादा ठीक होता है यानी आपको समझना पड़ेगा कि प्रेम पर इतना बल भक्ति आंदोलन में क्यों दिया जा रहा और कैसा प्रेम है ये तुलसीदास भी बहुत प्रेम पर बात करते हैं कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा तुलसी लिख रहा है कि राम को केवल एक ही चीज़ अच्छा लगता है वो है प्रेम आप प्रेम से कुछ भी कर लीजिए राम के साथ सबरी ने प्रेम से ही तो खिला दिया नहीं फल खाया जूठा किया और राम खाते रहे नहीं प्रेम ही तो था और थोड़ा षडयंत्र किया किसने सुर्पनखा ने भाई दोनों तो महिला ही थी नहीं एक राम चले जाते हैं सबरी के यहाँ क्यों चले जाते हैं क्योंकि वाणी में कर्म में चिंतन में ट्रांसपेरेंसी है यही तो है सबरी जैसा सोचती है वैसा ही करती है ट्रांसपेरेंट है बिहेवियर सुरर्पनखा ऐसा नहीं सोचती सुर्पनखा कर रही है कुछ मन में चल रहा है कुछ नहीं तो राम तो सर्वज्ञ हैं वो जानते हैं कि भाई ये तो ट्रांसपेरेंसी है नहीं नहीं सुरखनखा क्या चाहती है शादी ही करना चाहती है लेकिन राम को लग गया कि नहीं ये क्या है बिहेवियर कैसा है थॉट कैसा है प्रेम वाला नहीं है ये बिहेवियर थोड़ा इसमें क्या है <laughs> थोड़ा थोड़ा षडयंत्र है थोड़ा चालाकी है तो आखिर ये तुलसी लिख क्यों रहे हैं कि राम में ही केवल प्रेम प्यारा राम को केवल प्रेम और प्रेम कैसा अब प्रेम का नेचर कैसा जैसी भी प्रेम पर बात कर रहे हैं मानुष प्रेम बैकुंठी, प्रेम ही स्वर्ग है मनुष्य का जो प्रेम है समाज में जो प्रेम है वही स्वर्ग है तो आखिर ये लोग ऐसा कहते क्यों हैं सब लोग इतना फोकस्ड क्यों हैं कि जी स्वर्ग कुछ नहीं होता जो भी है यहीं पर है पर समाज में प्रेम है तो वही स्वर्ग है परिवार में प्रेम है वही स्वर्ग है है ना तो आपकी कॉपी में होना चाहिए कि आखिर प्रेम पर इतना लोग फोकस्ड क्यों है और कैसा प्रेम क्या भगवत प्रेम भगवान से प्रेम या समाज से भी प्रेम या समस्याओं का समाधान भी नहीं तो ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए तो ऐसी बात केवल कबीर एक बार नहीं कहते कई बार कहते हैं से भी कई बार कहते हैं सूरदास भी कई बार कहते हैं सूरदास की गोपियां क्या कहते हैं आइए उधो कोकिल कुजत कानन वो भी प्रेम पर बात करते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर इतना फोकस्ड लोग क्यों हैं यही तो कंसेप्ट है और ये सब कंसेप्ट यदि पता है तो मार्क्स क्या होंगे अच्छे आएंगे यानी रटना रटना नहीं है रटना तो चलिए दो चार पांच कविताएं तो अपने आप याद हो जाती हैं उसके आतंक में भी नहीं पढ़ना है तो समझ में आ गया कि कब कौन सी कविता लिखी जाएगी और किस नेचर की लिखी जाएगी वो समय बताएगा समाज की समस्याएं बताएंगी उस समय धर्म कितना आंसर दे रहा है राजनीति कितना आंसर दे रहा है यानी आपको बहुत तार्किक रूप से हिंदी को पढ़ना है स्पष्ट हो गया यानी क्या तो जानना ही है इसके साथ साथ क्यों और किसके लिए ये भी बात करनी कबीर किसके लिए कह रहे थे है ना कबीर अगर नारी के प्रति कुछ कहते हैं तो कुछ तो सोच के कहते हो बेकार आदमी तो थे नहीं लोग बुद्धिजीवी लोग थे उस समय के लोग क्या थे जैसे आज जो बुद्धिजीवी व्यक्ति जैसे सोचता है करता है वैसे ही उस समय के ये लोग क्या थे बुद्धिजीवी लोग थे फिर काल बदलेगा समय बदलेगा परिस्थितियाँ बदलेंगी और ये समय आ जाएगा भक्ति काल के बाद औरंगज़ेब यानी शाहजहाँ के बाद ताजमहल के बाद औरंगज़ेब औरंगज़ेब के बाद 1707 से लेकर अठारह और उस समय मुग़ल साम्राज्य का पतन धीरे धीरे और उस समय जो दौर और उस समय की जो कविता लिखी जाएगी तो वहाँ पर क्या है रीति काल आ जाएगा और यहाँ पर एक बड़े कवि हैं उनका नाम है बिहारी बिहारी बिहार के थे क्या कहाँ के थे कहां के थे नहीं जी ग्वालियर के थे है ना? हाँ ग्वालियर के थे और उनका ससुराल था मथुरा में ठीक है और वहीं बस गए थे कई लोगों को ससुराल प्रिय होता है वहीं बस जाते हैं बिहारी भी कहाँ बस गए ससुराल में बस गए और वहां से फिर रहीम का नाम सुना होगा रहीमन धागा प्रेम का है ना बैरम खां के बेटे थे रहीम तो उनसे रहीम से चिट्ठी लेकर के फिर आ गए जयपुर राजस्थान और जयपुर में राजा जय सिंह के यहाँ दरबारी कवि हो गए बिहारी तो बिहारी की कविता अलग होगी भक्ति काल की कविता से ये समय अलग है ठीक है और फिर आगे अठारह के बाद तो परिस्थितियाँ बदलेंगी अब राष्ट्रवाद का विकास होगा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन अठारह से राजा राम मोहन राय शुरू करेंगे अब स्वभाव बदला परिस्थितियां बदली राजनीतिक परिस्थितियां बदली ड्रेन ऑफ वेल्थ पर दादा नौर बात करेंगे तो कविता भी बात करेगी नहीं अगर दादा भाई नौरजी ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात करेंगे तो भारत हिंदू युग की कविताएं भी है ना अंग्रेज राज सुख साज सजय सब भारी पैधन विदेश चली जात यह अति खुआारी भारती हिंदू लिखेंगे सर्वस लिए जात अंग्रेज हम केवल लेक्चर के तेज नहीं कविता कितनी आसान है अंग्रेज सब कुछ लिए जा रहे हैं और भारतीय क्या है केवल बात बनाते हैं है ना सर्वस लिए जात अंग्रेज सब कुछ अंग्रेज लिए जा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं बात बना रहे हैं हम केवल लेक्चर के तेज अब हम केवल लेक्चर तो अंग्रेजी का शब्द है नहीं तो अंग्रेजी के शब्द अब आ गए कविता में देख रहे हैं एकदम बोलचाल वाली भाषा हम वल लेक्चर के तेज ऐसी कविता तो क्या ऐसी कविता तुलसी लिख सकते थे क्या नहीं लिख सकते थे समय अलग था नहीं अब ऐसी कविता क्या चंद्रवरदाई लिख सकते थे नहीं लिख सकते थे तो जैसे जैसे समय और परिस्थितियाँ बदलती हैं सामाजिक आवश्यकता बदलती है राजनीतिक आवश्यकता बदलती, बदलती है वैसे वैसे कविता का नेचर भी बदलता है तो इसी बदलते हुए नेचर को आपको पढ़ना है कविता के इतिहास में और फिर राष्ट्रीय आंदोलन बीसवीं सदी फिर गांधी जी आएंगे 1917 सत्रह से सक्रिय होंगे उसी समय एक दौर आएगा हिंदी कविता का जो गांधीवाद का दौर है राजनीतिक स्तर पर वही हिंदी कविता में दौर है छायावाद का ठीक है छायावाद नाम सुना होगा थोड़ा भूझ सा लग रहा होगा कि पता नहीं छाया क्या है छायावाद क्या है तो जो गांधीवाद है वही हिंदी कविता में क्या है छायावाद फिर किसान मूवमेंट शुरू होगा मजदूरों का आंदोलन शुरू होगा सहजानंद सरस्वती का आपने नाम सुना होगा जी एस वगैरह में पढ़ा होगा राष्ट्रीय आंदोलन गाँव में जाएगा तब कविता का नेचर बदलेगा और कविता फिर प्रगतिवाद में प्रवेश करेगी प्रगतिवाद जिसको कहते हैं भारत जब आज़ाद हो जाएगा सैतालीस पचास के बाद नई कविता का दौर शुरू होगा तो ये सब प्रक्रिया धीरे धीरे हम लोग समझ के पढ़ेंगे अलग अलग कालखंडों में यानी आपका जो फोकस होना चाहिए कविता रटने पर नहीं होना चाहिए आपका फोकस क्या होना चाहिए कि कविता का नेचर कैसे कैसे बदल रहा है और क्यों बदल रहा है अगर इस पर आपका बल है तो आप जल्दी एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। तो आपका फोकस इस पर नहीं होना चाहिए कि हमको कितनी कविताएं याद हैं है आपका फोकस किस पर होना चाहिए कि हमको कविता के बदलते हुए स्वरूप को और सोसाइटी से जो पॉलिटिकल कंडीशन है उससे इकोनॉमिकल कंडीशन है उससे कविता कैसे सामंजस्य बैठा रही है यानी कविता का नेचर कैसे कैसे चेंज हो रहा है।, है ना हर समय की तो अपनी 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 आवश्यकता है तो ये है पढ़ना आपको तो दूसरी कॉपी आपको बनानी है कविता का इतिहास और कवियों के बारे में यहाँ तक सवाल है आपके पास तो अभी तक जो पढ़ा हमने कि कैसे पढ़ेंगे और कैसे आपको पढ़ना है यानी आपको कम समय में हिंदी कैसे तैयार हो और अच्छे से तैयार हो और मार्क्स कैसे आए अच्छे इस पर ध्यान देना है हिंदी का विद्वान बनने बनना या कविताओं को रट के आतंक जमाना है ना तो ये सब नहीं करना है अब समझ लीजिए कि कविता का मतलब क्या है बहुत सामान्य मतलब है कि जब भावना अधिक होती है विचार से विचार भी होंगे लेकिन जब भावना अधिक हो विचार से तब क्या लिखी जाती है कविता का फॉर्मेशन होता है तब कविता का जन्म होता है एक सामान्य सी स्थिति है सामान्य सा सूत्र है जीवन का भी परिस्थितियों का भी समाज का भी जब भावनात्मक प्रसंग अधिक प्रबल होते हैं वैचारिक प्रसंगों से विचार का मतलब तर्क से विचार का मतलब तर्क से रीजनिंग से अगर इमोशनल बातें ज़्यादा हों तो किसका औसत रूप से विकास होता है कविता का विकास होता है इसलिए आपने देखा होगा कि प्रेम कैसा विषय है भावना का या तर्क का अगर तर्क का होता तो लोग क्यों कहते प्रेम अंधा होता है सुना होगा आपने नहीं सुना है ना कि प्रेम क्या होता है अंधा होता है और ज्यादा कब होता है साठ साल में या टीन एज में टीन एज में होता है क्यों होता है <laughs> तो प्रेम अंधा होता है यानी प्रेम भावना का विषय है तो ज्यादा प्रेम पर क्या लिखे जाएंगे कविताएं लिखी जाएंगी नहीं ज्यादा प्रेम पर क्या लिखा गया कविता ही लिखा गया प्रेम विषय पर गद्य कम लिखा गया नहीं आप भी दो चार लाइन कविता लिख सकते हैं अब प्रेम के दोनों पक्ष हो सकते हैं चाहे संयोग या वियोग विरह में भी यानी दिल टूटता हो या जुड़ता हो दोनों कंडीशन में लोग क्या लिखते हैं कविता ही तो लिखते हैं ये आपने सुना है कि जी दिल टूटा और निबंध लिखने लगे नहीं ऐसा तो नहीं सुना है किसी का दिल टूटा और क्या लिखना लिखा उसने निबंध लिखा ऐसा आप सुन ही नहीं सकते क्योंकि निबंध तो विचारों का है निबंध क्या है वैचारिक विधा है ठीक उसी तरह से वीरता बलिदान ये सब भावना का विषय है इसलिए खूब वीरता पर कविताएं हुई आज भी होती हैं भावनात्मक विषय है ये भक्ति ये सब क्या है भावना का विषय है भक्ति क्या है भावना की इसलिए भक्ति पर कविताएं हुई तुलसी ने राम की भक्ति की और तुलसी ने कविता लिखी तुलसी गद्य नहीं लिख सकते थे न वो समय की जरूरत थी न गद्य का विकास हुआ था न राष्ट्रवाद का विकास हुआ था न कोई पॉलिटिकल थाट विकसित हुआ था बहुत तर्क के साथ तो ये दौर है किसका कविता का जिसमें वीरता पर बात हुई जिसमें श्रृंगार पर बात हुई जिस पर प्रेम पर बात हुई भक्ति पर बात हुई लेकिन जब उन्नीसवीं सदी आता है और लोगों ने तर्क से समझना शुरू कर किया कि नहीं देखिए अंग्रेज़ यहाँ से क्या ले जा रहे हैं धन ले जा रहे हैं सोशल प्रॉब्लम है तर्क के साथ समझा लोगों ने विधवा विवाह है नहीं हो रहा है तो भाई क्यों नहीं हो रहा है तर्क हुआ सती प्रथा क्यों है तर्क दिया गया और ये समाप्त होना चाहिए तो जैसे जैसे रीजनिंग शुरू हुई और आधुनिक चिंतन शुरू हुआ वैसे वैसे फिर किसका विकास हुआ गद्य का विकास हुआ समझ में आया या शुरू में हिंदी में क्या या किसी भी भाषा में सामान्यतः प्रारंभ में क्या विकास होता है कविता का तो कविता का जन्म तो एक हजार ईस्वी से हो गया अब गद्य का जो विकास है यानी आपकी तीसरी कॉपी जो बनानी पहली कॉपी आपने किसकी बनाई भाषा खंड की दूसरी कॉपी किसकी बनाई कविता का इतिहास और कविताएं और तीसरी कॉपी गद्य का गद्य का मतलब क्या हुआ विचार तर्क यानी आधुनिक बोध ये अधिक होगा भावना से यही गद्य का मतलब कविता का मतलब क्या है कि भावनात्मक विषय ज्यादा प्रबल होगा किसकी तुलना में वैचारिक और आधुनिक पक्षों से ठीक है तो अब ये गद्य का विकास कब से शुरू हुआ उन्नीसवीं सदी से उन्नीसवीं सदी से कविता का विकास कब से शुरू हुआ दसवीं सदी या थोड़ा और पहले आठवीं सदी से ठीक है गद्य का विकास 19वीं सदी से ठीक है क्यों विकास शुरू हुआ गद्य का क्योंकि हमने कहा ही कि आधुनिक बोध आधुनिक बोध का मतलब राजनीत को समझना शुरू अर्थनीति को समझना शुरू हुआ ये मूल मुद्दे हैं ये अगर दो समझते हैं और तर्क से समझते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आधुनिक चिंतन आप में है ये जानना पड़ेगा कि कौन आप पे रूल कर रहा है और क्यों कर रहा है अंग्रेज रूल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं यहाँ अंग्रेज तो कह रहे थे कि हम तो आपको भले के लिए आए है।, है ना वो कहते थे तो वाइट मैंस बर्डन थ्योरी की बात करते थे कि गोरे लोग हम हैं और हमारा नैतिक दायित्व है कि जहाँ जहाँ असभ्यता होगी वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे सभ्यता की रोशनी फैलाएंगे यानी वो भारतीयों को क्या कह रहे थे कि हम आपके शोषण के लिए नहीं हैं हम तो आपके भले के लिए हैं और भारतीयों ने ये समझना शुरू किया कि नहीं ये गलत बात कह रहे हैं ये आधुनिक चिंतन था इस आधुनिक चिंतन में अब जो ये प्रॉब्लम था उसका समाधान कौन करेगा हम सब मिलके करेंगे एकता की बात होगी अगर ये मध्यकाल होता तो कौन समाधान करते फिर भगवान करते नहीं भाई मध्यकाल में तुलसी क्या देख रहे थे कि समस्याओं का समाधान कौन करेंगे ईश्वर करेंगे राम करेंगे या कृष्ण करेंगे लेकिन ये लोग कहते गांधी कहते कि नहीं जी भगवान करेंगे राजा राम मोहन राय कहते कि भगवान करेंगे या आज आप कहेंगे कि समस्याओं का समाधान कौन करेंगे भगवान तो नहीं करेंगे करेंगे बताइए आप ये थोड़ी कहें कि जी पीटी हमको पास करा दीजिए भगवान जी <laughs> ऐसा ऐसा कहेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप मध्यकाल में जी रहे हैं नहीं भाई आपका एग्जाम कौन पास करेंगे आप ही करेंगे भगवान मदद करेंगे जब 99 कदम आप बढ़ाएंगे तो एक कदम वो भी साथ देंगे लेकिन मध्यकाल में तो पूरा का पूरा काम भगवान ही कर रहे थे है ना? तो अब अर्थनीति को समझा गया और जैसा मैंने कहा कि लोगों ने लिखना शुरू किया कि लिए जात अंग्रेज हम केवल लेक्चर के तेज यानी धन हमारा जा रहा है भारत से तो ये उन्नीसवीं सदी से गद्य का विकास हुआ तर्क का विकास हुआ विचार आधुनिक चिंतन का विकास हुआ राष्ट्रवाद का विकास हुआ भारत एक है राजनीतिक रूप से हम सांस्कृतिक रूप से एक थे पॉलिटिकल रूप से एक नहीं थे क्योंकि जो जो क्षेत्र जिसका था वो उसके लिए चिंतित था पृथ्वीराज चौहान के लिए अपना जो एरिया था वही देश था वही राष्ट्र था ठीक है पूरा भारत एक है सो नहीं अगर ऐसा होता आपस में लड़ते क्यों है ना तो ये राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास यानी मेकिंग ऑफ द नेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस था जो धीरे 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 विकसित हुआ और यहीं से गद्य का विकास हुआ और गद्य के कई संतान थे जिसमें पहला क्या था नाटक तो नाटक का विकास कब हुआ 19वीं सदी में हुआ और जो हिंदी का पहला नाटक आया 1868 में भारतेंदु ने लिखा भारतेंदु हरिश्चंद्र कहाँ के थे काशी के बनारस के रहने वाले थे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1868 में विद्या सुंदर नाम का एक नाटक लिखा ये सब कब है उन्नीसवी सदी में ठीक उसी तरह से उपन्यास का विकास हुआ उपन्यास का विकास हुआ ठीक उसी तरह से कहानी का विकास हुआ पत्रकारिता विकसित हुई निबंध का विकास हुआ ये, इन विधाओं का मूल रूप से विकास हुआ जो आपको पढ़ना भी है नाटक पढ़ना है आपको उपन्यास पढ़ना है तो इसका मतलब है कि गद्य की उम्र कितनी हो गई अगर हम कहें औसत रूप से कि १८५० के बाद ये सारी चीजें विकसित हुई तो गद्य की उम्र कितनी हो गई है एक साल नहीं कितने साल बताइए कितना कितना लिखें दो सौ सत्तर बहत्तर है ना दो सौ सत्तर साल यानी यही तो उम्र है और कविता की उम्र कितनी है एक हज़ार साल नहीं तो इनका भी इतिहास पढ़ना होगा कि कैसे कैसे उपन्यास का विकास हुआ कैसे कैसे नाटक का विकास हुआ कैसे कैसे कहानी का विकास हुआ इसको भी वैसे ही पढ़ना है तर्क के साथ पढ़ना है और नाटक होता क्या है उपन्यास होता क्या है कहानी और उपन्यास में डिफरेंस क्या है तो ये सब तर्क के साथ पढ़ना है और ये ढाई सौ वर्षों को क्रमिक रूप से पढ़ना है जिसमें उपन्यास की दुनिया में जो सबसे बड़ा चेहरा था उनका नाम क्या था प्रेमचंद प्रेमचंद और इनका गोदान जो है सब जगह पढ़ना है कोई ऐसा कोर्स नहीं है जहाँ पर ना पढ़ना हो चाहे वो बिहार लोक सेवा आयोग हो यूपी हो जे हो जे एंट्रेंस हो यानी हिंदी उपन्यास में जो सबसे पॉपुलर पुस्तक आई और वो कौन सी थी गोदान आपने नाम सुना होगा और गोदान को पढ़ना है क्रम से बहुत आराम आराम से तो पढ़ने में समय लगेगा हो सकता है कि दो तीन चार दिन भी लग सकता है है ना तेजी से पढ़ेंगे तो एक दिन लगेगा लेकिन आराम जीवन में एक ही बार पढ़ना है एन सी किताब है नहीं कि बार बार पढ़ना है है ना जीएस की किताब को आप कितनी बार पढ़ते हैं तो कहते हैं भाई बार बार पढ़ो यहाँ तो एक ही बार पढ़ना एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा नहीं आप मूवी कितनी बार देखेंगे एक बार देखेंगे बहुत अच्छा लगा दो बार देखेंगे हो गई हो अब आप, आपको याद हो जाता है ठीक वैसे ही हिंदी की कहानियाँ या उपन्यास या नाटक आपको एक दो बार में चीज़ें क्या हो जाएंगी याद हो जाएंगी तो गोदान पढ़ना है और बहुत सारे प्रॉब्लम है गोदान में 1936 में लिखा गया बनारस के ही थे प्रेमचंद लम्ही के रहने वाले थे और 300 से अधिक कहानियां लिखी प्रेमचंद ने तो इनकी कहानी भी पढ़ना है और कहानी का नाम है बताइए प्रेम मंजूषा सिविल सेवा में और मानसरोवर भागे बिहार लोक सेवा आयोग में तो इसमें से कुछ कहानियों को पढ़ना है जो कॉमन है वो पढ़ लेंगे कुछ मिलती जुलती कहानियाँ जो हैं उनको पढ़ लेंगे पांच-छह पॉपुलर कहानियाँ हैं उनको पढ़ लेंगे काम चल जाएगा प्रेम मंजू साहब नाटक की दुनिया में जो तीन बड़े नाम हैं एक नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र का है बनारस के दूसरा नाम भी बनारस के ही हैं उनका नाम है जयशंकर प्रसाद नाम सुना होगा आपने और तीसरा नाम है मोहन राकेश तो बिहार लोक सेवायोग में दो ही नाटककार पढ़ने हैं भारतेंदु की रचना अंधेर नगरी आपने नाम सुना होगा अंधेर नगरी चौपट राजा और यूपी में भी यही पढ़ना है अंधेर नगरी चौपट राजा बहुत आसान नाटक है अंधेर नगरी चौपट राजा और आगे क्या है टकेसर हाँ बहुत पॉपुलर नाटक भारतेंदु से ज़्यादा पॉपुलर इनका नाटक तो अंधेर नगरी पढ़ना है और दूसरा नाटक है चंद्रगुप्त जो बिहार लोक सेवा आयोग में पढ़ना है और अस्कंद स्कंदुप्त पढ़ना है सिविल सेवा के कोर्स में और मोहन राकेश का एक नाटक है आषाढ़ का एक दिन तो वो सिविल सेवा के कोर्स में ठीक उसी तरह से निबंध पत्रकारिता आपके कोर्स में नहीं है तो ये वाली विधा जो है आपके सिविल सेवा के कोर्स में या पी के कोर्स में नहीं है निबंध में पढ़ना है शुक्ल जी एक व्यक्ति हैं पूरा नाम है इनका रामचंद्र शुक्ल रामचंद्र शुक्ल नाम है तो शुक्ल जी का ही निबंध है चिंतामणि जो सब जगह यही पढ़ना है चिंतामणि हर एग्जाम में चाहे यूपी देते हैं संख्या अलग अलग है इनके निबंधों का संग्रह तो चिंतामणि नाम की एक किताब ले लेंगे जिसमें से दो निबंध है सिविल सेवा के कोर्स में बिहार लोक सेवा का बहुत पुराना पाठ्यक्रम है वहाँ पर प्रारंभ के दस निबंध हैं तो इस तरह से ये किताब हर जगह है चिंतामणि निबंधों का संग्रह उपन्यास बीपीएससी में दो पढ़ने हैं यूपी में तीन पढ़ने हैं आई के एग्जाम में यानी यूपीएससी के एग्जाम में चार पढ़ने है ना उपन्यास में तो जो यूपीएससी का एग्जाम देंगे उनको पढ़ना है गोदान पहला उपन्यास दूसरा उपन्यास दिव्या यशपाल की रचना 1945 तीसरा उपन्यास है बताइए क्या नाम है मैलांचल मेरीगंज मेरीगंज पूर्णिया का एक क्षेत्र अंचल और वहाँ से नाथ रेणु है मैला अंचल उन्नीस में लिखा गया और चौथा उपन्यास है महाभोज किसने लिखा मन्नू भंडारी ने लिखा तो ये चार उपन्यास सिविल सेवा के कोर्स में है जिसमें से पहला तो गोदान गोदान किस पर आधारित है किसान जीवन की समस्या है किसान जीवन की समस्या है मूल रूप से और भी कई सारी समस्याएँ जो उस समय प्रेमचंद को दिखाई दे रही थी प्रेमचंद एक बड़े कथाकार हैं और आज तक इनसे बड़ा कथाकार हुआ नहीं कोई दूसरा मतलब हिंदी और उर्दू की दुनिया प्रेमचंद से बड़े कथाकार का नाम नहीं जानती है ना तो अब तक है ना 2022 तक अब आगे शायद हो भी ना है ना प्रेमचंद से बड़ा कथाकार अब नहीं है और शायद न हो उन्हीं की एक बड़ी रचना है गोदान बहुत आसान सा है गामी पृष्ठभूमि का है उसमें किसान का नाम है होरी और उनकी पत्नी का नाम क्या है धनिया होरी राम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी पत्नी धनिया से कहा यहाँ से रचना शुरू होती होरी ने सानी पानी देकर सानी पानी मतलब अगर वो लिख देते ब्रेकफास्ट कराकर <laughs> तो प्रेमचंद बड़े कथाकार नहीं होते है ना अपनी पत्नी धनिया से कहा तो यहाँ से यानी बड़ा कथाकार वो है जिसमें जो संवेदना पक्ष है यानी जो विचार पक्ष है और जो शिल्प है जो पात्र है परिस्थितियाँ हैं सब एक दूसरे को सब एक दूसरे से सामंजस्य पैदा करें वही क्या होता है बड़ा कथाकार होता है जो समझे तो गांव की समस्याओं को ग्रामीण भारत को समझने का जो आईना है प्रेमचंद से बड़ा कोई आईना नहीं है उनकी कहानियों और उपन्यासों को अगर आप पढ़ते हैं तो ग्रामीण भारत में धर्म की क्या स्थिति है राजनीतिक चिंतन की क्या स्थिति है समाज की क्या स्थिति है सामाजिक संरचना क्या है आर्थिक परिस्थितियाँ क्या है विषमता क्या है परलोक क्या है मोक्ष क्या है क्या धर्म का शोषण है इन सब बातों को अगर बहुत प्रामाणिक तरीके से कोई समझा पाता है तो अर्थशास्त्र की किताब नहीं समझा पाती है ना पॉलिटिकल साइंस की किताब नहीं समझा पाती एक ही सूत्र है और एक ही सोर्स है वो है कि प्रेमचंद को पढ़ा जाए गरीबी के आंकड़े दे देती है बेरोजगारी के आंकड़े मिल जाते हैं लेकिन बेरोजगार की आँखों से बेरोजगारी समझा जाए या अर्थशास्त्र के आंकड़ों से समझा जाए कैसे समझ में ज़्यादा आएगा बेरोजगारी की पीड़ा क्या होती है वो कौन समझाएगा है ना बेरोजगारी में जो आदमी जिस दौर से गुजरता है अरसास के आंकड़े तो शुष्क होते हैं सूखे होते हैं तो ये है गोदान दूसरा जो उपन्यास है सिविल सेवा के कोर्स में वो दिव्या 1945 का 1945 का और यशपाल ने लिखा है दिव्या एक लड़की की कहानी है जो सभी गुणों से युक्त है यानी वो सुंदर है वो नृत्य कला में प्रवीण है वो अच्छा गाती है सब कुछ है लेकिन एक दिन घटना ऐसी हुई कि एक पृथुसेन नाम का एक लड़का था और उस समय एक सूत्र था कि जो भी सबसे वीर होगा सबसे सर्वोत्तम होगा वही जो उस साल की जो बेस्ट नर्तकी है उसकी शिविका में यानी उसकी पालकी में कंधा देगा पृथुसेन योग्य था और दिव्या जो थी वो भी नृत्य में प्रवीण थी तो अधिकार किसको मिलना था पृथुसेन को मिलना था लेकिन जाति व्यवस्था के कारण सामाजिक संरचना के कारण पृथुसेन चूंकि अवर्ण समाज का था इसीलिए और दिव्या कैसी थी सवर्ण समाज की थी तो रोक दिया गया यानी योग्यता का निरादर हुआ और योग्यता का जब निरादर हुआ तो किसने किया एक सवर्ण समाज के लड़के ने किया उसका नाम था रुद्रधीर अब यहीं से विषमता पैदा होती है पृथुसेन अधिकार मांगता है नहीं मिलता उसको लेकिन दोनों में प्रेम बढ़ता है दिव्या और पृथुसेन में प्रेम होता है फिर कई सारी परिस्थितियाँ होती हैं दिव्या गर्भवती होती है शादी नहीं होती फिर दिव्या को घर छोड़ना पड़ता है किन किन परिस्थितियों से गुजरती है नारी की स्वतंत्रता का मतलब क्या है नारी की सार्थकता का मतलब क्या है इन सभी प्रश्नों को यशपाल ने उठाया है बहुत ही अच्छा उपन्यास थोड़ा कठिन लगेगा पढ़ने में शब्द थोड़े तत्समी हैं लेकिन अब ये कहाँ 1945 का उपन्यास और यशपाल ये बताना चाहते हैं कि नारी की स्वतंत्रता का वास्तविक मतलब क्या है आज बहुत सारी बातें होती है नारी स्वतंत्रता और नारी जीवन की सार्थकता पर तो ये उपन्यास आपको क्या करता है एक आ, समाधान देता है और फिर अंत में दिव्या जब घर छोड़ती है तो उसके सामने कोई भी नहीं होता कोई विकल्प नहीं होता आत्महत्या करने की कोशिश करती है और फिर अंत में उसके पास तीन तीन विकल्प होते हैं और विकल्पों में से वो चुनना चुन सकती है उसके सामने मारिश नाम का एक युवक है रुद्रधीर नाम का एक युवक है और पृथ्वसेन नाम का एक युवक है अब वो चयन करने को स्वतंत्र है इसको स्वतंत्रता कहते हैं निर्णय लेने को स्वतंत्र है स्वतंत्रता का वास्तविक मतलब क्या है कि हम अपने लिए निर्णय ले सकते हैं तो ये निर्णय लेने की स्वतंत्रता यशपाल देना चाहते हैं आज़ादी की पूर्व संध्या पर 1945 का उपन्यास इसके बाद लिखा गया जो आपके कोर्स में है रेणु बिहार से हैं और मैला आँचल उन्होंने उपन्यास लिखा आँचल मैला है ये बता रहे थे उन्नीस में भारत आजाद हो चुका है लेकिन आज़ादी की वास्तविक किरणें मेरी गंस तक नहीं पहुँची आज भी नहीं पहुँची है, है ना? आज भी गाँव की तस्वीर अलग है है ना? बहुत कुछ नहीं पहुँचा है हम शिक्षा का मतलब संस्थान नहीं खोल पाए हैं सब जगह मिलती है तो और दो ढाई साल से जब ये पीरियड चल रहा है कोरोना का तो एजुकेशन बहुत बुरे हाल में है बहुत बुरे हाल में है तो समस्याएं बढ़ी हैं रेणु इन बातों की चर्चा कब कर रहे हैं उन्नीस में कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं मूल समस्या है वहाँ एक डॉक्टर प्रशांत नाम का डॉक्टर है जो शहर में है गाँव में जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि नहीं जी मूल समस्या है अशिक्षा की मूल समस्या है गरीबी की यानी अगर हम शिक्षित कर दें और शिक्षा का प्रसार कर दें तो भारतवर्ष की समस्याएं क्या हो सकती हैं ग्रामीण समस्याएं दूर हो सकती हैं तो इस सूत्र को उन्होंने दिया है मैलांचल में फिर एक और उपन्यास है नाइनटीन का वो है महाभोज जिसको लिखा है मनु भंडारी ने मनु भंडारी का पिछले वर्ष निधन हुआ डॉक्टर राजेंद्र यादव जी की पत्नी थी वो और मिरांडा हाउस दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती थी उन्हीं का एक उपन्यास है महाभोज और महाभोज में उन्होंने बताया है कि कैसे जो राजनीत है कैसे पत्रकारिता कैसे प्रशासन सब एक ही आप कह सकते हैं सब मिल कर के एक साथ किसका शोषण कर रहे हैं लोकतंत्र में लोग को गायब कर रहे हैं आम आदमी का शोषण कर रहे हैं और सब एक दूसरे से अंदर खाने में क्या है मिले हुए यानी पत्रकारिता राजनीति और जो प्रशासक वर्ग है वो सब तो ये सब बहुत ही अच्छे उपन्यास हैं तो ये पढ़ना है नाटक कौन कौन पढ़ना है अंधेर नगरी सिविल सेवा में भारत दुर्दशा, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त और एक नाटक है आषाढ़ का एक दिन आषाढ़ का एक दिन भी बहुत अच्छा नाटक है तो आप कोई भी कोर्स मान लें बिहार लोक सेवा आयोग के हैं तब भी आप आषाढ़ का एक दिन पढ़िए बहुत ही अच्छा नाटक है मोहन राकेश ने लिखा है मोहन राकेश भी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे नाटक का शीर्षक दिया आषाढ़ का एक दिन और उसकी कहानी ये है कि वहाँ मल्लिका नाम की एक लड़की है और कालीदास नाम के एक युवक हैं जो बहुत ही विद्वान हैं और लेखक हैं साहित्यकार कालीदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखने की योग्यता है उनमें मेघदूतम लिखने की योग्यता है कालीदास में और कालीदास गांव में है और उनकी प्रसिद्धि किताब की फैलती है और जो वहाँ का जो राजा है राज सभा से उनको निमंत्रण मिलता है कि भाई आप आइए अब वो जाना नहीं चाहते कालिदास क्योंकि गाँव की पृष्ठभूमि में उनको मल्लिका से प्रेम है और मल्लिका कहती है कि नहीं आपके लिए बड़े आकाश बड़े सूत्र और खोजे जा सकते हैं आप जाइए वहाँ पर और मल्लिका की माँ है अंबिका अंबिका बुजुर्ग हो गई हैं और माँ और पुत्री ही रह रहे हैं कालिदास यहाँ से जाते हैं राजकाज से जुड़ते हैं वहाँ पर शहर की तरफ जाते हैं मल्लिका उनको विदा करती है। वहाँ जाने के बाद फिर उनका चरित्र क्या हो जाता है बदल जाता है वहाँ पर राजकन्या से शादी कर लेते हैं प्रेम किससे किया मल्लिका से शादी किससे की राजकन्या से राजकन्या का नाम क्या था प्रियंगु मंजरी और फिर उसके बाद गए थे साहित्यकार बनने फिर वो कश्मीर का शासक बन जाते हैं फिर वहाँ विद्रोह होता है विद्रोह से फिर प्रजा विद्रोह करती है घायल होते हैं और फिर सब कुछ उनका समाप्त हो जाता है जब सब कुछ समाप्त हो जाता है तो फिर लौटते हैं कहाँ पर मल्लिका के पास लेकिन मल्लिका पहले वाली अब कहाँ थी अब तो वो संज्ञा से विशेषण हो गई थी मल्लिका की अब अभ, अभाव में एक संतान का जन्म हो चुका था मल्लिका का उसने एक पुत्री को जन्म दिया था और अभाव में वो विलोम नाम के एक व्यक्ति के साथ रह रही थी विलोम कभी प्रेम करता था मल्लिका से मल्लिका किससे प्रेम करती थी कालिदास ये जीवन की अजीब विडम्बना है आप किसी और से प्रेम करते हैं वो किसी और से करता है नहीं तो ये सब कहानियाँ ये सब कहानियाँ आपको क्या इतिहास में मिलेंगी ऑप्शनल में नहीं मिलेंगी ये अर्थशास्त्र में नहीं मिलेंगी और एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा और इसी पर कुछ प्रश्न होते हैं जो आपको तो फिर अंततः क्या मध्य वर्ग का चरित्र है मोहन राकेश बताते हैं कालिदास मध्य वर्ग के आदमी हैं और मध्य वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनका चरित्र क्या होता है इसके बारे में तो बहुत ही अच्छा नाटक है मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन अस्कंद गुप्त और चंद्रगुप्त दो नाटक हैं जयशंकर प्रसाद के जो आपके कोर्स में है चंद्रगुप्त है पढ़ना बिहार लोक सेवा योग में और अस्कंद गुप्त पढ़ना है यूपीएससी के कोर्स में और यूपी के कोर्स में तो चंद्रगुप्त 1930 का नाटक है और अस्कंद गुप्त उन्नीस का नाटक है राष्ट्रीय आंदोलन का नाटक है और राष्ट्रीय आंदोलन में जयशंकर प्रसाद ने कैसे भारत आज़ाद हो और आज़ादी कैसी हो इस पर बात किया है उन्होंने और एक पॉपुलर गीत चंद्रगुप्त नाटक का आपको याद भी होगा हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती बहुत ही पॉपुलर गीत था स्वयं प्रभा सम्वला स्वतंत्रता पुकारती आज़ादी की मांग करता हुआ एक नाटक जयशंकर प्रसाद ने बहुत ही अच्छा नाटक लिखा है चंद्रगुप्त नाटक चंद्रगुप्त मौर्य वंश से जुड़े हुए हैं इतिहास से और अस्कंदुप्त गुप्त काल से जुड़े हुए हैं इतिहास के बैकग्राउंड पर इमेजिनेशन के साथ वर्तमान भारत और भविष्य का भारत कैसा हो इस पर एक नाटक लिखा जयशंकर प्रसाद ने काफी पॉपुलर था वो नाटक तो ये पढ़ना है तो ये सब सारे कोर्स है ठीक है पढ़ना कैसे है वो तरीका समझ लीजिए अध्ययन कैसे करें और कुछ मूल बातों का ध्यान कैसे और इसमें कुछ जो मूल बातें ध्यान में रखनी है यानी कुछ सावधानी क्या क्या होना चाहिए सबसे पहली सावधानी आप दस वर्ष का प्रश्न जरूर देखें यह एक सावधानी है दस वर्ष का प्रश्न चाहे वो यूपीएससी का हो यूपी का हो या बीपीएससी का हो या जो एग्जाम आप देना चाहते तो सावधानी क्या बरतनी है जैसे कोई चैप्टर पढ़ना है जैसे आपने कबीर पढ़ा या पढ़ना चाहते हैं या गोदान पढ़ना चाहते हैं तो क्या करें दस वर्ष के प्रश्नों को देख जाए सबसे पहला काम यही है टेक्स्ट पढ़ने से पहले गोदान पढ़ने से पहले आप क्या देखें हाँ दस वर्ष के गोदान से प्रश्न को देख जाए है ना तो ऐसे बुकलेट मिलेंगे क्वेश्चन बैंक के रूप में आपको खरीदना नहीं है ये बुकलेट मिलेगा अब इसमें आप गोदान पे जाइएगा तो गोदान पर जहाँ से भी प्रश्न आए हैं विगत बीस वर्षों में वो सब एक जगह दिए हुए तो आपका काम क्या होगा कि सबसे पहले क्वेश्चन को देख जाए कोई भी टॉपिक पर मान ली भक्ति काल कोई पढ़ रहा है तो भक्ति काल के सवालों को पढ़ ले पढ़ जाइए सवाल पढ़ने से होगा क्या आपको एक आइडिया होगा कि हमको पढ़ना कैसे नहीं क्वेश्चन जरूर देखना चाहिए और ये पहली सावधानी दूसरी सावधानी कि अगर आप गद्य पढ़ रहे हैं तो गद्य पढ़ रहे हैं तो आप क्रम से पढ़ें मतलब इसमें कुछ व्याख्या के सवाल होंगे कुछ प्रश्न पूछे गए होंगे अलग अलग सालों में तो सबसे पहले मान लिया कि कोई गोदान पढ़ रहा है गोदान पढ़ रहे हैं तो आप कम से कम मान लिया कि आपने दस पेज पढ़ा दस पेज पढ़ने के बाद फिर से एक बार क्वेश्चन को देखिए है ना मान लिया कि आपने पढ़ा अस्कंद गुप्त पढ़ा चंद्रगुप्त पढ़ा तो आप दस पेज पढ़ने के बाद क्या करें एक गोदान पढ़ा तो प्रश्न जरूर एक बार दोबारा देखें और बहुत आराम आराम से चूँकि एक ही बार पढ़ना है या ज़्यादा से ज़्यादा दो बार पढ़ेंगे और जो अच्छा लगा उसको क्या करना है अंडरलाइन भी करना है आप अंडरलाइन करें नहीं आप उसको मान ली कोई वाक्य आपको बहुत अच्छा लगा लगा इसमें कोई थॉट है तो अंडरलाइन कर दीजिए आपकी ही किताब है मांग के तो आपने पढ़ा नहीं कि मांग के पढ़ेंगे मांग के नहीं पढ़ना है अपनी किताब और अधिकार के साथ उसको क्या करें आप अंडरलाइन करें तो जहाँ भी अच्छा लगे फिर उसके बाद दस पेज पढ़ा तो जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसी दस पेज में से तो एक क्वेश्चन मिल गया या व्याख्या का प्रसंग मिल गया पहला पेज पढ़ेंगे तो लगेगा कि अच्छा इसमें से तो व्याख्या पूछी गई व्याख्या पूछी गई तो अंडरलाइन कर लीजिए और किस वर्ष पूछी गई वहाँ नोट कर लीजिए है ना तो आपको ये फिर बाद में दिक्कत नहीं हुई कि व्याख्या से हमको जी समझ में नहीं आया या कुछ गलती हो गई ये आपका अपना प्रयास कोई दूसरा करके देगा तो उसका कोई फायदा नहीं मान लिया कि किसी और से आपने करवा लिया और फिर उसको क्या कर लिया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा आपको ये अपने से करना कुछ काम अपने से ही करेंगे तभी क्या होगा फायदा होगा <laughs> मान लिया किसी को गाड़ी चलाना सीखना है तो बगल में आप जितना भी बैठेंगे सीख थोड़ी पाएंगे ड्राइविंग सीट पर आपको बैठना ही पड़ेगा कुछ ठोक थुक ठोक कर लेगी कोई कहे कि नहीं जी हम बगल में बैठ कर सीख लेंगे तो सीख सकता है नहीं दूसरे की किताब से आप नहीं तो आप जो है ये क्या करें कि व्याख्या का प्रसंग हो तो अंडरलाइन कीजिए फिर उसके बाद फिर पचास पेज पढ़ गए अगर गोदान है तो इस तरह से कम से कम दो तीन बार आप क्वेश्चन को देखेंगे और जहाँ तहाँ क्या करेंगे अंडरलाइन करेंगे यानी मार्क करेंगे चीज़ों को चौथी बात अब ये सब पढ़ने के बाद आपके मन में होना चाहिए कुछ मूलभूत मुद्दा जो मैंने कहा था कि कोई भी बेसिक बात है जो फिर से हम लिख दे रहे हैं कि क्या कहा गया यानी समस्या क्या किन समस्याओं पर बात की गई और उसका समाधान क्या दिया गया कोई भी रचना बगैर समाधान के नहीं होती अगर प्रेमचंद कुछ बात करेंगे तो उसका सॉल्यूशन भी देंगे नहीं अच्छी रचना क्या मानी जाएगी कि अगर कोई प्रॉब्लम उठाया जा रहा है तो उसका समाधान क्या होगा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए मिलना चाहिए ऐसा होता है कि भाई आपने प्रॉब्लम उठा दिया समाधान जी हम नहीं देंगे अगला जनरेशन देगा ऐसा तो होगा नहीं तो अगर कोई समस्या पर बात हुई है तो उसका क्या होगा सॉल्यूशन भी होगा सॉल्यूशन कई बार संकेत में भी होता है रचनाकार चूंकि बुद्धिजीवी होता है समझदार होता है तो समझदार आदमी संकेत स, कैसे देते हैं संकेतों में देते हैं नहीं जो समझदार गार्जियन होगा वो आपको कैसे समझाएगा संकेत में और जो बेवकूफ़ गार्जियन होगा आपको पीट के समझाएगा नहीं बचपन में आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत मार खाते हैं नहीं होता है या नहीं इसका मतलब है कि जो गार्जियन बच्चे को पीटता है इसका मतलब ये है कि उस समय उसकी बौद्धिक क्षमता कमज़ोर हो गई है कि एक बच्चे को आप नहीं समझा सकते उसके लिए आपको क्या करना पड़ रहा है आप मन में सोचिए कि मान लीजिए कि कोई आठ साल का बच्चा है और गार्जियन पचास साल का उसको पीट रहा है इसका मतलब क्या है गार्जियन की बौद्धिक क्षमता थोड़ी क्या है कम है कि आठ साल के बच्चे को आप नहीं समझा पा रहे हैं बातों से नहीं समझा पा रहे हैं उसके लिए क्या करना पड़ रहा है बीतना पड़ रहा है ठीक है तो रचनाकार जो है वो समझदार है अब प्रेमचंद सीधे सीधे बात नहीं करेंगे संकेतों में समाधान देंगे घटनाएं समाधान देंगी है ना कई घटनाएं आंसर दे देंगी परिणाम आंसर दे देगा ठीक है तो समाधान पर भी बात सोचनी है दूसरा सोचना है कि क्यों लिखा गया इस पर थोड़ा सोचना है कोई हिमालय आप कबीर को पढ़ते हैं कबीर ने ऐसा क्यों कहा तुलसी ने ऐसा क्यों कहा है ना तो ये सब देखना है उस समय की समस्या क्या है और क्या समाधान चाहते हैं क्यों चाहते हैं कौन सी समस्या है तो इन सब पर भी देखना है कब रचना लिखी गई इसको भी देखना है अब मान लिया कि कोई सोलहवीं सदी में रचना लिखेगी तो सोलहवीं सदी की ही समस्या को तो आप महसूस करेंगे आधुनिक समस्या तो होगी नहीं कबीर कोई भविष्य वक्ता तो है नहीं कि सोलहवीं सदी में ये सोच के लिख रहे थे कि सिविल सेवा में हमको लोग पढ़ेंगे इक्कीसवीं सदी में ऐसा तो है नहीं कबीर अपने समय को बनारस में थे और बनारस और उस समय समाज की समस्याओं को देखते हुए वो बात कर रहे थे तो आपको देखना है कि भाई कब है क्यों है क्या लिखा गया और किसके लिए लिखा गया किसको एड्रेस किया गया यानी किसको कहा गया किससे बात की गई अगर कह रहे हैं कहत कबीर सुनो भाई साधो कहते हैं कबीर हे अच्छे लोगों सुनो साँच कहे तो मारन धाय सत्य कहता हूँ तो मारने दौड़ता है समाज और झूठ कहता हूँ तो पतिया लेता है झूठे जग पतियाना तो कबीर एड्रेस कर रहे हैं कबीर कह रहे हैं कि मैं कहता हूँ आखन देखी तू कहता तू किसको कहा आप क्यों नहीं कहा नहीं अब तू कह रहा होगा मतलब कबीर अगर कह रहे हैं तो कुछ सोच के कह रहे हैं कि सामंती समाज को वो कह रहे हैं। नहीं सुन रहा उनकी बात जो कई बार कबीर क्या हो जा रहे हैं कठोर भी हो जा रहे हैं मैं कहता मैं तो आंखों देखी बात करता हूं तुम क्या करते हो तू कहता कागज की लेखी जो कागजों में लिखा है वो कहते हो मैं कहता सुरझावन हारी मैं तो सॉल्यूशन देने की बात करता हूँ तू रखियो उलझाई रे तुम क्या करते हो बार बार कमेटी बना देते हो <laughs> हम तो सीधे सीधे बात करते हैं तुम कमेटियां बना देते हो बातों को क्या करते हो उलझा देते हो कबीर ये बात कह रहे थे किसको एड्रेस कर रहे थे तुलसीदास किसको एड्रेस करते हुए बात करते हैं रामचरितमानस जब लिखा उन्होंने तो चार वक्ता थे और चार श्रोता थे तुलसी पाठक से बात कर रहे हैं और उन्हीं के पैरल शिव जी पार्वती से बात कर रहे हैं कथाएं पैरल चल रही हैं कहने वाले चार हैं सुनने वाले चार हैं शिव किससे कथा कर रहे हैं पार्वती से कागभूसुंडी कह रहे हैं गरुड़ से और याज्ञवलक कह रहे हैं भारद्वाज से तो चार वक्ता हैं और चार श्रोता है और तो रामचरित की कथा क्या होती है प्रोग्रेस करती है आगे बढ़ती है और रामचरित में आखिर तुलसीदास ने क्यों ऐसा किया होगा कि सीता जो है गरीब अशिक्षित ग्रामीण महिलाओं से आशीर्वाद लेती है वो तो जगत की माँ है और राम तो सर्वज्ञ है वो तो भगवान है और भगवान भी किसका आशीर्वाद ले रहे हैं आम जनता का आशीर्वाद जब अयोध्या से निकलते हैं तो लेते हैं शबरी के यहाँ जूठे बैर क्यों के केवट पे गुस्सा क्यों नहीं कर रहे हैं भाई आते हैं केवट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको उस पार जाना है केवट मना करता है और वही सुंदर कांड में समुद्र पर गुस्सा कर जाते हैं नहीं तीन दिन तक विनती करते हैं नहीं मानते समुद्र तो लक्ष्मण को कहते हैं बाण लाओ नहीं केवट पे क्यों नहीं गुस्सा करते केवट तो मना कर देता है और मना करके कहता है कि भाई हमने सुना है आपकी बहुत प्रसिद्धि है कि आपके पैर के धूल से तो जो टच करता है वो नारी बन जाती है हमरे हमारे पास तो एक और पत्नी है ही कहीं मेरी नाव पे आप चढ़े और नाव मेरी पत्नी बन गई तो हम दो पत्नी रख के क्या करेंगे नहीं केवट यही तो कहता है कि भाई एक पत्नी तो है ही घर में हम क्या उत्तर देंगे पहले आपका हम पैर क्या करेंगे पखारेंगे और उसके बाद नाव पर चढ़ाएंगे और शर्त मानना पड़ता है राम को नहीं और जब उस पार उतरते हैं तो कोई उतराई भी नहीं लेता देख रहे हैं क्या ठसक है तो उतराई भी नहीं लेता ऋण चढ़ा देता है और फिर ऋण उतारना पड़ता है राम को जब लौट के आते हैं कितना बढ़िया आसन केवट को बगल में बैठाते हैं आखिर ये कौन बैठा रहा है तुलसी बैठा रहा है नहीं ये कथा कब की है पंद्रह सौ चौहत्तर के याद कीजिए अकबर का समय ये ये भावना में नहीं बह जाना है कि उस समय कोई राम थे है ना आपको इमोशनल तरीके से नहीं पढ़ना है पॉलिटिकल बातें अलग होती हैं और लिखना पढ़ना अलग होता है ये समय क्या है अकबर का काल है मुगल सत्ता का काल है तुलसीदास एक स्टोरी लिख रहा है ये मन में नहीं सोचना है कि पंद्रहवीं सदी में क्या थे राम थे तो बताइए क्रांतिकारी काम करते हैं तुलसीदास जाति व्यवस्था को कैसे समाप्त करना है हमारे यहाँ सामंती व्यवस्था में क्या है पहले शादी होती है फिर प्रेम होता है है ना? गार्जियन ही देख लेता है कई आप में से भी होंगे कि आप दिल्ली पढ़ रहे हैं गार्जियन ने बोल दिया कि भाई तुम्हारी शादी पक्की कर दी है आपको पता भी नहीं किससे हो गया <laughs> लड़कियों के केस में तो सामान्यता होता है. है ना आपकी मर्जी भी नहीं है आपकी शादी तय हो गई इस डेट को आ जाना लेकिन तुलसीदास देखिए सोलहवीं सदी में क्या करते हैं राम और सीता की शादी होनी है तो पहले प्रेम होगा फिर शादी होगी का बहुत क्रांतिकारी काम याद कीजिए 500 सौ साल पहले आज नहीं हो रहा है और एक फुलवारी है उसमें सीता को आना है और राम का मन कर रहा है तो कैसे सीधे सीधे कहें गुरु साथ में है तो कह रहे हैं राम लक्ष्मण को बहुत मन हो रहा है फुलवारी घूमने का तो लक्ष्मण के बहाने राम कहाँ जाते हैं और उनको ले कौन जाते हैं तुलसीदास लिखने वाले कौन है तुलसीदास तो कुछ सोच के ही तो एक बुद्धिजीवी व्यक्ति लिख रहा है यानी तुलसीदास चाहते हैं कि जो सामंती टूल्स जितने हैं सामंती शोषण के जितने उपकरण हैं चूंकि एक राजा कई शादियां कर रहा है और नारी की स्थिति बहुत खराब है तुलसीदास तो नारी को अधिकार देना चाहते हैं नारी को सम्मान देना चाहते हैं इसलिए जगत की माँ के रूप में सीता का क्या किया चित्रण किया तो एक बुद्धिजीवी रचनाकार समाज की समस्या को पॉलिटिकल प्रॉब्लम को इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को एड्रेस कैसे कर रहा है राम कथा के माध्यम से तो आपको ये सब आंसर में लिखना है यानी आपको सीधे सीधे क्या कहा गया है इस पर बात नहीं करनी है क्यों कहा गया है उस समय के प्रॉब्लम को बताना है उसको कैसे एड्रेस किया जा रहा है ये सब लिखेंगे तब अच्छे मार्क्स आएंगे यानी हिंदी साहित्य केवल रटने का नहीं है आपको समझना है और समझते हुए उन बातों को क्या करना है लिखना है उदाहरण के साथ तो हमने कहा कि कुछ सावधानियां हैं जिसमें क्वेश्चन को देखना है गद्य को देखना है और थोड़ी तुलना भी करनी है। पांचवा पांचवा क्या है आंसर में थोड़ी तुलना करनी कंपेयर करना जैसे गोदान है किसान जीवन की समस्या आज की किसान समस्या से तुलना कर सकते हैं है ना तुलसी के समय अगर नारी का नारी की, नारी की का शोषण है आज स्थिति क्या है उससे तुलना कर सकते हैं बेरोजगारी पर तुलसी बात कर सकते हैं उस समय आज बेरोजगारी की स्थिति क्या है उसे तुलना कर सकते हैं तो आप थोड़ी तुलना भी करें आज के संदर्भों से भी कर सकते हैं या समकालीन रचनाओं से कर सकते हैं तो ये धीरे धीरे क्या होगा धीर धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी तो ये सब कुछ सावधानी और फिर कुछ पढ़ने के बाद लिखने का प्रैक्टिस यानी लिखना क्योंकि समझ तो लिया समझने के बाद फिर क्या होगा लिखने वाला काम भी क्योंकि जब तक लिखेंगे नहीं तब तक अपना नहीं होगा आपका ना लिया आप चीज़ों को समझ रहे हैं लेकिन आप मैनेज नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम हॉल में तो एग्ज़ाम हॉल में लिमिटेड समय में शब्दों का प्रबंधन विषय का प्रबंधन तो ये थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ऐसा नहीं कि रोज़ लिखना है लेकिन हफ्ते में एक दो आंसर तो लिखना ही चाहिए मान ली एक चैप्टर आपने पढ़ लिया तो पढ़ लिया तो फिर उसको क्या करें लिखें और लिख करके चेक कराएं तो ये भी ज़रूरी है कि कैसा लिखा आपने तो इसको चेक कराया जाए तो धीरे धीरे स्थितियाँ क्या हो जाती हैं है? कंट्रोल में हो जाती हैं तो ये सम समय चार पाँच महीने का लगना चाहिए जी पूरी प्रक्रिया है पढ़ने का